रिस्पना नदी के किनारे अवैध कब्जे हटाने को लेकर शुरू की गई एमडीडीए की कार्रवाई बस्तर वासियों ने भारी विरोध किया है। पिछले दिन काठ बंगला बस्ती में 26 निर्माण ध्वस्त करने के बाद टीम गब्बर बस्ती में अतिक्रमण हटाने पहुंची, लेकिन यहां कार्रवाई नहीं की जा सकी। बस्ती में एक महिला की हार्ट अटैक से मौत के बाद क्षेत्रवासियों ने खूब हंगामा काटा और सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि घर तोड़ने का नोटिस मिलने के कारण महिला को हार्ट अटैक आया है। महिला की मौत के बाद सियासत गर्मा गई है और वहीं कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। आइए सुनते हैं मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का क्या कहना है। देखिए, बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना है कि प्रशासनिक तानाशाही के कारण एक जो है युवती की मौत होगी, जिसकी जो है 3.5 साल की एक बेटी है और एक 3 महीने का जो है बच्चा है। आखिर जो है मानवीय संवेदनाएं क्यों मर गई हैं सरकार की, ये समझ में नहीं आ रहा है। अतिक्रमण के नाम पर जो है गरीबों की झोपड़ियां ही सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को क्यों नजर आ रही हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि नदी के किनारे जो सरकारी संस्थान हैं, जो रसूखदारों के होटल हैं, रिजोर्ट हैं, उन पर क्यों जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले सरकार को अपने अतिक्रमण ढहाने चाहिए, तब जो है झोपड़ी का नंबर आना चाहिए। और हम सरकार से कह चुके हैं कि आपको अगर अतिक्रमण हटाने आवश्यक है तो उससे पहले उन लोगों के जो है पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए छत की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सरकार मानवीय दृष्टिकोण से काम नहीं कर रही है और तानाशाही से लगातार जो है लोगों के घर ढहाए जा रहे हैं। जिस तरीके से जो है सदमे में हार्ट अटैक से एक जो है इस बेगुनाह महिला की मौत हुई है, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है। और मैं कह रहा हूं कि जो है इस पर जिम्मेदार अधिकारियों पर और शहरी विकास मंत्री पर मुकदमा होना चाहिए और जो है पीड़िता के जो है परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर भाजपा विधायक विनोद चमोली का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि यह कोई तानाशाही नहीं है। सबसे पहले जिनकी मौत हुई है उनके लिए हमारी संवेदना है। यह मामला लंबे समय से चल रहा है और एकाएक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अभियान सरकार की ओर से नहीं बल्कि हाई कोर्ट की ओर से चल रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, कोई तानाशाही नहीं है, क्योंकि एक तो पहले जिसकी मृत्यु हुई है उसके प्रति संवेदना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मामला काफी दिन से चल रहा है, कोई एकाएक तो हुआ नहीं है। और आप भी समझते हैं कि अभियान सरकार की ओर से नहीं कोर्ट की ओर से चल रहा है। एनजीटी द्वारा जिस तरह से हाईकोर्ट से आदेश लिए गए हैं, तो उसके बाद जो 16 के बाद के जो निर्माण हैं ये पूर्व में भी चिन्हित हुए हैं, इसमें बाकायदा छानबीन भी हुई है, इसकी जांच भी हुई है। जांच के बाद जो 16 के बाद के निर्माण सही पाए गए उन पर ये कार्रवाई हो रही है। तो एकाएक ये कार्रवाई हुई ऐसा नहीं है। और विपक्ष के लोग भी तमाम काफ़ी समय से इस बात को उठा रहे हैं, लोगों को इस जानकारी में ला रहे हैं, तो एकाएक कार्रवाई इसको नहीं कह सकते। अगर कह रहे तो गलत कह रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि लोगों को हटाना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये न्यायालय के कारण हो रहा है। सरकार इसमें कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। सरकार तो बचाने का काम कर रही है और आगे से हम प्रयास करें कि क्या रास्ता निकाला जा सकता है ताकि लोगों को बचाया जा सके।